Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do a question based on the optimal binding search tree. Let us take an example beta. Generate optimal binary search tree based on values here is keys and frequencies. Let us take 10, 20, 30, 40, having frequency 4, 2, 6, 3. इन वैल्यूज के बेस पे हमने क्या बनाना है अपना बाइनरी सर्च ट्री। तो जी इस काम को करने से पहले सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक मैट्रिक्स जनरेट करना पड़ता है। मैट्रिक्स कैसे, फोर नोड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, देन वन, देन टू, थ्री एंड फोर। सेम हियर, जीरो, वन, टू, फाइव बाय फाइव का थ्री एंड फोर। तो फर्स्ट स्टेप ये क्वेश्चन का क्या कहता है, इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ जी माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। इस साइड को मैं जी कंसीडर कर रही हूँ, इस साइड को मैं आई कंसीडर कर रही हूँ। तो बेटा कब तक पूरी का पूरा प्रोसीजर रिपीट करना है, जब तक कि जीरो नहीं होता। कैसे, लाइक जीरो माइनस जीरो, वन माइनस वन जीरो होएगा, टू माइनस टू जीरो होएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो होएगा, फोर माइनस फोर जीरो होएगा। इन सब की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी, जीरो। तो दिस मीन्स जो इसके डायगनल्स हैं उसको क्या पुट कर लो, जीरो। वन बाय वन, टू बाय टू, थ्री बाय थ्री, फोर बाय फोर, सबको क्या पुट कर दो, जीरो। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप, व्हाई ऑल दीज डायगोनल्स आर पुट जीरो। नेक्स्ट फॉर द सेकंड स्टेप, फाइंड द लेंथ जी माइनस आई इज इक्वल टू वन। वन का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, वन माइनस जीरो, टू माइनस वन एंड 3 माइनस टू एंड 4 माइनस थ्री। इन सबके केस में क्या आएगा, 1। तो बेटा इसको नोड को लिखना कैसे है, 0 कोमा 1 उल्टा। हेयर इज 1 कोमा 2, हेयर इज 2 कोमा 3 एंड हेयर इज 3 कोमा 4। ये नोड्स को लिखने का वे आउट। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 0 कोमा 1 नोड, कॉस्ट ऑफ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 1,2 नोड, कॉस्ट ऑफ 2,3 नोड एंड कॉस्ट ऑफ 3,4 नोड। जब भी ऐसे कॉस्ट निकालनी होगी, जो इसकी इनिशियल वैल्यू है ना बेटा, उसको इग्नोर कर देना। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, 1। दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट नोड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड नोड। These are the number of nodes. Let us take an example. And here is the, this is known as first node, second node, third node, the fourth node. And here we are talking about the, this is about the third node and here is fourth node. What is the frequency accordingly? Here frequency is 4, here frequency is 2, here frequency is 6 and here frequency is 3. So according to this beta, write the value here. 0 एंड 1 कॉलम में फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4। 1 एंड 2 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 2। एंड 2 एंड 3 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी, 6। एंड 6 एंड 3 एंड 4 में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3। होप स्टूडेंट यू आल्सो अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप। नाउ फॉर द थर्ड स्टेप, find the length having value j minus I is equal to 2. What about this?
कैसे बनेंगे हमारे कॉम्बिनेशन? 2 माइनस 0, 3 माइनस 1, 4 माइनस 2, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसको कैसे लिखना है? 0, 2। एंड व्हाट अबाउट दिस? 1, 3। व्हाट अबाउट दिस? 2, 4। नाउ हमने क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 0, 2, कॉस्ट ऑफ 1, 3, कॉस्ट ऑफ 2, 4। कॉस्ट ऑफ 0, 3 मतलब मैंने तुम्हें बोलता है इनिशियल वैल्यू इग्नोर कर दो, तो दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नोड। फर्स्ट वैल्यू इग्नोर कर दो, कॉस्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नोड, कॉस्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नोड। क्लियर? अब फर्स्ट नोड हमारा क्या था? 10। सेकेंड नोड क्या था हमारा? 20। 10 की वैल्यू थी और इसकी की वैल्यू थी 20। तो बेटा इन दोनों से हमारे बाइनरी सर्च ट्री दो ही बन सकते हैं, एक 10 टॉप पे, 20 इस साइड, एक 20 टॉप पे, 10 इस साइड, दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर दिस इज कंपैरिजन 1, कंपैरिजन 2। नंबर ऑफ कंपैरिजन इज 1, 2। नाउ कैलकुलेट बोथ सेपरेटली। इसकी फ्रीक्वेंसी जो मैंने शुरू में बाइनरी सर्च ट्री में बताई थी ना प्रीवियस वन डे बिफोर, वही फॉर्मुलेशन हमने यहाँ पे यूज करनी है। 10 का कंपैरिजन कितना? 1 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4। प्लस 20 का कंपैरिजन कितना? 2। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2। तो 4 प्लस 4, व्हाट विल बी द आंसर? हियर आंसर इज इक्वल टू 8। नाउ सेम क्वेश्चन सॉल्व हियर। 1, 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6। प्लस 2 इंटू 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 8, व्हाट इज दिस? 14। तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है? दिस वन, टेक दिस वन। और अगर मैं इसको ले रही हूँ तो मेरा रूट नोड कौन सा आ रहा है? फर्स्ट। तो मैं क्या करूँगी, टेबल में फिल करूँगी इसकी वैल्यू, कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी आई है? 8। और जब 8 आई है तो उसकी जो पेरेंट वैल्यू नोड है वो क्या है? 1। ये मैं क्यों लिख रही हूँ पेरेंट वैल्यू? दैट इज यूज व्हेन आई हैव टू बिल्ड अप द ऑप्टिमल ट्री। I will discuss this thing later on. बस जस्ट चेक करना है कि ऑप्टिमल जो आ रही है हमारी वैल्यू वो किस पेरेंट नोड से आ रही है। क्लियर? नाउ बेटा चेक फॉर दी सेकेंड वन। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? दैट इज C13। सेम C23 का आएगा। सेकेंड नोड क्या था मेरा? 20। और थर्ड नोड क्या था? 30। यहाँ तो ऐसे आएगा, यहाँ 30 ऊपर और 20 इस साइड आएगा। नाउ नंबर ऑफ कंपेरिजन की बात करनी है यहाँ पे। 1, 2, 1, 2। What will be the value? 1 into 2, 20 का आगे frequency, plus 2 into 30 की frequency, 6. This is equivalent to 2, 14. And what about this? Here is 30 का 1 multiplied by 6 plus 2 multiplied by 2. This means 6 plus 4 is equal to 10. This one is the optimal solution. नाउ फिल दिस। और पेरेंट वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 30, मीन्स थर्ड नोड। तो मेरा यहाँ पे कौन सा आ गया पेरेंट वैल्यू? 10 विद द पेरेंट वैल्यू 3। क्लियर? नाउ चेक फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन मेरा कौन सा था? 2 एंड 4, जिसके बेस पे नोड आए थे 3 एंड 4। 3 मेरा क्या था? 30। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा इधर क्या आएगा, इस साइड क्या आएगा? 40। यहाँ मेरा 40 टॉप पे आएगा, इसके इस साइड क्या आएगा? 30। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने निकल रहे हैं मेरे? 1 एंड 2। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं? 1 एंड 2। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूं, 1 इंटू 30 का कितना मेरा फ्रीक्वेंसी? 6 प्लस 2 इंटू 3, दिस मीन्स 6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा? 12। हियर 1 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इट्स 1 कंपेरिजन 3 फ्रीक्वेंसी, 2 कंपेरिजन एंड 6 फ्रीक्वेंसी। हियर इज 6 प्लस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। विच वन इज द लेस वैल्यू? 12। 12 और पेरेंट नोड मेरा कितना आ रहा है? 30। तो फिर मैं यहाँ पे क्या फिल कर दूंगी? 12 वैल्यू, जबकि पेरेंट नोड मेरा क्या आ रहा था? 3। पेरेंट नोड कैसे देख रहे हैं हम लोग? जो ये आ रहा ऑप्टिमल, इसमें रूट वैल्यू कितनी है? 30 30 मेरा कौन सा नोड था? थर्ड नोड। क्लियर स्टूडेंट, समझ आई? नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, मैंने क्या कर लिया, लेंथ फाइंड आउट कर ली, J माइनस
Now find out for the next step. Find out length is equal to g minus I is equal to 3. हमने 3 के लिए वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो कैसे आएगा इसका? 3 माइनस 0, 4 माइनस 1, बस दो ही नोड बने. इसमें 0.3 एंड 1.4 दो नोड बने. तो जब मैंने इसका मतलब कॉस्ट निकालनी है फ्रॉम 0 टू 3 एंड कॉस्ट निकालनी है फ्रॉम 1 टू 4. तो 0 को इग्नोर कर दो, आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3. यहाँ पे 1 को इग्नोर कर दो, नोड के आएंगे 2, 3 एंड 4. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज थ्री. बेटा एक तो ये वे आउट है जो मैंने आपको बताया कि इसके बेस पे बाइनरी सर्च ट्री बनाओ और बाइनरी सर्च ट्री के बेस पे क्या करो, अपनी कैलकुलेशन जो है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करो. फिर एक और फार्मूलेशन तुम्हें बताती हूँ. एक फार्मूला के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कैलकुलेशन को थोड़ा और ईजी जो है ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना है, जो मेरे नोट्स आए हैं, क्लियर, जो नोट्स आए हैं उसके बेस पे मैं कैसे एक और फॉर्मूला है जिसके थ्रू, या तो बाइनरी सर्च ट्री जैसे मैंने प्रीवियसली बता रही हूँ वैसे करो, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 0.3 से. पहले मैं इसकी करवा रही हूँ. तो कैसे करेंगे, हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ 0.0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1.3, क्लियर. आगे कॉस्ट ऑफ 0.1 प्लस कॉस्ट ऑफ 1 के बाद क्या आएगा, 2.3 इंक्रीमेंटेड कर रही हूँ. सी 0.1 हो गया, अब ये आएगा 0.2 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 के बाद क्या आएगा, 3.3, क्लियर. इन सब में मैं ऐड कर दूंगी जो इसका ओवरऑल वेट है. 1 जो था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी मेरी, 4. जो सेकंड नोड था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 2. जो थर्ड नोड था उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 6. तो इसमें टोटल वेट मेरा कितना आ रहा है, वेट ऑफ 0 टू 3 जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज 14 को इसमें ऐड कर देना. अब देखो कॉस्ट ऑफ 0.0 एंड कॉस्ट ऑफ 1.3 इसका क्या मतलब है, हम सेल से चेक करेंगे. कॉस्ट ऑफ 0.0 इज 0, कॉस्ट ऑफ 1.3 इज 10. यूज दैट वैल्यू हियर. दिस मींस दिस इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू द 0 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू द 4 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू द 8 प्लस 0. विच वन इज द मिनिमम वैल्यू, हेयर इज 10, हेयर इज 10, हेयर इज 8. यूज दिस एज अ मिनिमम वैल्यू. 6 प्लस 6 इज 12. तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20. तो मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20. जब मेरी पेरेंट वैल्यू कितनी थी, यहाँ से है ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन, पेरेंट वैल्यू मेरी कितनी थी, 3. मतलब रूट वैल्यू कितनी थी, 3. तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूँगी, मैं अपने पेरेंट की वैल्यू फिल करूँगी. कितनी आ गई मेरी, कितनी वैल्यू फाइंड आउट करी अभी मैंने, दैट इज 20. और जबकि उसका पेरेंट नोड कितना है, 3. नाउ अगेन फाइंड आउट दिस वैल्यू विद द सेकेंड वैल्यू. सेकेंड मैंने किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ 1.4. क्या वी आउट बताया मैंने, फाइंड आउट कैसे करनी है, कॉस्ट ऑफ 1.4 की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसका वे आउट क्या है, उसका वे आउट है फाइंड आउट करोगे मिनिमम ऑफ क्या, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमने, मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ 0.4 दिस इज इक्वल टू दी मिनिमम 1.4 था ना, कॉस्ट ऑफ 1.1 प्लस कॉस्ट ऑफ 2.4. अब बेटा देखो 2 और 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आए थे, 2, 3, 4. 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2. 3 की फ्रीक्वेंसी, ये मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, 3 की फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी थी, 6. एंड 4 की फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी थी, 3. टोटल मेरी आ गई थी 11 फ्रीक्वेंसी, क्लियर. इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें मैं 11 लिखूंगी. देन कॉस्ट ऑफ कैसे करते हैं, 1 से 1 था फिर 1 से 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 के बाद क्या आएगा, 3 टू 4.
cost of 1 to 3 plus cost of 4 to 4. Now check the cell value 0 plus 12, here is 2 plus 3, here is 10 plus 0. Which one is the minimum value? 5. 5 plus 11 is equal to kitni value aagi hamari? 5 plus 11 is equal to 16. 5 yahan se aaya jabki parent node kitna tha mera 3. To ab second mein kya likhoge? Second part mein humne solve kar liya, here is the 16 jabki parent node uska kitna 3. अब मेरा लास्ट रह गया, लास्ट क्या हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है लेंथ के लिए। लेंथ के लिए कैसे परफॉर्म करेंगे? पहले 3 1 के लिए, 0 के लिए करी थी, फिर 1 के लिए करी थी, फिर 2 के लिए करी थी, फिर 3 के लिए करी थी। अब हम किसके लिए करेंगे परफॉर्म करेंगे? लेंथ 4 के लिए। तो लेंथ 4 के लिए अगर परफॉर्म करनी है तो कैसे आएगा हमारा? लेंथ इज इक्वल टू जी माइनस आई इज इक्वल टू 4। कैसे आएगा ये? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। This means कि एक ही नोड बना 0.4 इसमें, क्लियर। तो मैंने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है किसकी? फ्रॉम 0.4 की। तो इसके लिए क्या लूंगी? मिनिमम ऑफ वैल्यू। स्टूडेंट्स कैसे लिए फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट ऑफ 0 से स्टार्ट करें ना, 0.4 प्लस सी ऑफ 0 के बाद क्या आएगा? 1.4, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, प्लस इसमें क्या करेंगे? टोटल वेट। फोर्थ नोड जो था, फोर्थ नोड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोलता? फर्स्ट इग्नोर कर दो। दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड। फर्स्ट नोड की फ्रीक्वेंसी, सेकंड की फ्रीक्वेंसी, थर्ड की फ्रीक्वेंसी और फोर्थ की फ्रीक्वेंसी, चारों की फ्रीक्वेंसी जब ऐड करें तो आंसर कितना आ रहा है? 15। तो अब क्या किया हमने? कॉस्ट ऑफ 0.4 के बाद क्या आएगा? 0.00 से शुरू करना था, 0.00। नेक्स्ट आएगा 0.01 प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बच जाएगा 2.4, देन कॉस्ट ऑफ 0.2, 2 की बात क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ 3.4, कॉस्ट ऑफ 0.3, 3 की बात क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ 4.4। व्हाट इज द वैल्यू हियर? दिस इज 0 प्लस 16। What is the value here? 4 plus 12. What is the value here? 8 plus 3. 3. What is the value here? Cell value की बात कर रही हूँ। Cell value is here. That is 20. 0.3. 20 plus 0. ठीक है? इसमें क्या ऐड करनी है? जो टोटल ओवरऑल सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 11। तो मेरी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या देगी? 11 प्लस 15 इज इक्वल टू 26। और ये 11 जब निकाला हमने तो रूट नोड किया था 3। दिस मीन्स हेयर वी हैव टू यूज द 26 विद इज पेरेंट वैल्यू 3। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट द ऑप्टिमल ट्री बेस्ड ऑन दिस वैल्यू? बेटा अब हमने क्या करना है? हमने रूट वैल्यू कौन सी लेनी है? हमारा रूट क्या आया था? 0.4। इसमें यही रूट आया था ना हमारा। इसके बेस पे हमने क्या करना है? पेरेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और इसकी पेरेंट वैल्यू क्या आई थी? 3। तो दिस मीन्स हमारा 3 नोड जो है वो क्या आ जाएगा? एट द टॉप। अब इसके लेफ्ट में क्या है चेक करो, 3 जो रूट है उसके लेफ्ट में क्या आ रहा है मेरा? 0.2। और राइट में क्या आ रहा है मेरा? 3.4। तो 0.2 एंड 2.3.4, एक साइड पे क्या रूट आ रहा है मेरा? रूट इज इक्वल टू 0.2 एंड हियर रूट इज इक्वल टू क्या आ रहा मेरा? 3.4, मतलब पेरेंट वैल्यू। अब 0.2 कौन सा था? फर्स्ट मेरा नोड। देन अगेन फाइंड आउट द रूट वैल्यू 0.1। यहाँ पे क्या आएगा? रूट वैल्यू ऑफ 1.2। 1.2 इज फर्दर स्प्लिट, हियर इज रूट वैल्यू फॉर 1.1 एंड हियर इज root value 4
show the further in this tree. This value is having the value 4. Let's further split into the two parts. One is R of 3, 3 and R of 4, 4. So beta binary search tree jo bana isse kya bana hamara 3 third node, first node, fourth node and the second node. This is equivalent to the 30, 10, 20 and here is 40. This is all about the how to perform the how to calculate the optimal binary search tree. Hope you understand. And beta, I want to tell you one more thing. What is the formula behind this? These calculations. The formula behind these calculations are C of I comma j is equal to I और j के बीच में अगर हमने cost find out करनी है, हम minimum find out करते हैं cost of I comma k minus 1 intermediate comma cost of k comma j, इन दोनों में से जो minimum निकलेगा plus w of I comma g. This is the main formula that is used for the calculation over here. Clear? Hope student you understand the lecture beta. If you understand what is the optimal binary search tree and how to solve the question, then it's and like the channel and write in the comment section. If still you have any issue regarding this topic, then write in the comment section. I will definitely neatly resolve your query. Thank you.